बहुत कुछ सीखे यहाँ पे, बहुत फायदा भी हमको मिला इस चीज़ से। इसकी हुनर हाट की वजह से हम काफ़ी, हमारा फैमिली का बैकग्राउंड भी थोड़ा अच्छा हुआ है। एक मार्केट मिल गया, इसको बेचने की जगह मिल गई है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हमारा बहुत अच्छा प्रमोशन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुनर हाट का मन सज चुका है। देश के 30 राज्यों के 600 से ज़्यादा कलाकार जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। आर्टिस्ट जो हैं अपनी कला को लेकर, अपने उत्पादों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, उनके अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। ये हमारे जो टॉयज हैं, ये ट्रेडिशनल टॉयज हैं, ये सारा जो कुछ हम हाथ से बनाते हैं, हमारा फैमिली का काम है। और जहाँ भी जाते हैं हमारा ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बड़ों से लेकर छोटे बच्चे तक इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये सारे पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल टॉयज़ है। हमने वही कारीगरी अभी तक मेंटेन कर रखी है। और ये जो टॉयज़ में कलर जो इस्तेमाल करते हैं वो सारा नॉन टॉक्सिक कलर होता है, जो बच्चा अगर खेलते हुए मुंह में भी रखे तो उसको कोई नुकसान ना हो पाए। पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, दब गई थी, उसको वापस निकाला, ये सब कुछ लेकर आए हांडियों में, बर्तन खाना बनाना। और ये कढ़ाई है, कुकर है मेरे पास में, मिट्टी के गिलास है, ये मिट्टी के कप, इनमें डेली यूज़ वाले हैं। और पहले आते थे कि यूज़ किया और यूज़ एंड थ्रो वाले आते थे, तो हर रोज़ आदमी इतना महंगा नहीं, लेकिन कोई क्वालिटी इतनी अच्छी कर दी हमने कि डेली यूज़ होते हैं ये। हुनर हाट के माध्यम से देश में दस्तकारों, कलाकारों, कारीगरों, उसमें जो ट्रेडिशनल आर्ट है, ये आर्ट को प्लेटफॉर्म मिले, मार्केट मिले, पहचान मिले। और मोदी जी का संकल्प है वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करना, लोकल चीज की आवाज़ हमारे मार्केट में आनी चाहिए, हमारी खरीदी में आनी चाहिए, हमारी जीवन जरूरी, हमारी रिक्वायरमेंट में आनी चाहिए। उससे रोजगारी का भी अवसर प्राप्त होता है, उससे हमारे ट्रेडिशनल आर्ट को प्रोत्साहन भी मिलता है और भविष्य में उसका नेशनल इंटरनेशनल मार्केट करके हम उसको अच्छी तरह से अर्थोपार्जन के लिए एनकेस कर सकते हैं। इस दृष्टि से आज हुनर हाट यहाँ लगा हुआ है। हम यहाँ कश्मीर से एक्चुअली आए हैं, मेरा नाम जहांगीर है। बस स्पेशल जो शॉल होता है पश्मीना शॉल एंड कश्मीरी क्रेप साड़ीज होती है, स्टोल्स होती है, सूट होते हैं, वुलन गर्म सूट्स होते हैं एंड कोट होते हैं हमारे पास, स्पेशल चीज़ कश्मीर का वुलन का आइटम जो होता है, कॉटन भी हमारे पास होता है सर। मेरे जितने भी काम हैं मिक्स मीडिया आर्ट पर है, जिसमें एक्रेलिक पेंटिंग, कलर इंक कलर पेंटिंग, सिरेमिक वर्क, आपका लमासा आर्ट और मेटालिक कलर, सबका मिक्स कलर यूज़ करते हैं हम। और इसके बाद इस तरह से मेरा थीम रहता है वृंदावन यूजुअली, तो 100 रुपीज़ से लेके 50,000 तक पेंटिंग है मेरे पास, जिसमें हम लोग गोल्ड पे भी काम करते हैं। हाँ, ये सेल्फी पॉइंट है, लोग यहाँ पर खरीदते नहीं लेकिन सेल्फी ज़रूर लेके जाते हैं। ये जो लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत के जैसे जो इस तरह के नारे हैं, क्या उनसे जो आम कारीगर हैं, जो आम लोग हैं, आप जैसे दूर दराज के जो लोग हैं, उनको फ़ायदा हुआ? जी, मैं 3-4 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा फ़ायदा मिला। जो मेरे साथ बंदे हम भी उनको मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, कि हमको ऐसे क्या फ़ायदा मिला कि हम आर्टिजन थे, हम खुद मार्केट में आ गए, हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या बनता है और कैसे चलता है मार्केट में, कौन सा कलर कम्बिनेशन आना चाहिए, कैसा कपड़ा होना चाहिए जो यहाँ पर चले। बहुत फ़र्क आया सर, हम जब करीब जब से हुनर हाट शुरू हुआ है हम जुड़े हुए हैं, और हुनर हाट से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। जो हम जैसे अगर छोटे छोटे यूनिट हम जैसे रखे हुए हैं, पहले हमारा इतना कोई बाहर नहीं जाता था सामान, जैसे अब हम हुनर हाट के प्लेटफॉर्म में आए हैं, जब से हमको ऑर्डर भी बहुत सारे मिल रहे हैं और डायरेक्ट भी सेल कर पा रहे हैं। अगर बाज़ार की चीज़ें बाहर से खरीदेंगे और जो फिर उसमें बीच में मुनाफा सब करके वो आइटम आपको महंगे पड़ेंगे, लेकिन ये यहाँ हुनर हाट में जो भी हैं खुद के बने हुए सामान बेच रहे हैं, तो सामान लगभग सस्ता ही होगा। हमारा संकल्प है कि हम आज़ादी के 75वें
साल में हम चल रहे हैं और 75 हुनर हाटों के माध्यम से लाखों दस्तकारों शिल्पकारों को हम रोजगार के साथ जोड़ सकें और हमारी जो ये स्वदेशी विरासत है उसको ताकत दे सकें।